स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि देश का प्रत्येक स्वच्छता की चिंता करे ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के संकल्प को जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने गांधी जयंती के अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डरोह में आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम में शिरकत कर सफाई अभियान का शुभारंभ किया। सफाई अभियान में स्कूल के बच्चों, अधिकारियों, अध्यापकों और उपस्थित लोगों ने भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जयंती श्रद्धा सुमन अर्पित किए। परमार ने कहा कि आज के पावन पर्व पर प्रत्येक नागरिक को देश को स्वच्छ रखने का संकल्प लेकर इस सामाजिक कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारें गंभीर हैं और स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सभी संकल्प लें कि न तो हम गंदगी करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। हम अपने गांव, अपनी पंचायत, अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखें, इसकी चिंता करने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के 22 लाख लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और इसके प्रत्येक बीमारी को कवर किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश से नशे को जड़ से उखाड़ने के लिए गंभीर है और राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों की स्वास्थ्य जांच में इस बात को भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई बच्चा नशे इत्यादि का आदि तो नहीं है। इस अवसर पर उन्होंने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 25 महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला भाजपा महिला मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित निशुल्क सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल कैंप का भी शुभारंभ किया। स्वास्थ्य शिविर में नेत्र, मेडिसिन, क्षय, हड्डी, स्त्री, त्वचा और ENT रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जांचा। शिविर में निशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त लोगों की सुविधाओं के लिए यहां अपंगता जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। प्राप्त हुआ और हमारी पार्टी का संकल्प है कि हम देश को स्वच्छ बनाएंगे, हम अपने देश को साफ सुथरा बनाएंगे और वो अभियान हम अपने गांव में, अपने घर में, अपनी पंचायत में चलाएंगे। और जब से हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, उन्होंने इसको सरकारी कार्यक्रम नहीं, एक सामाजिक कार्यक्रम के रूप में लिया है। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं, ये समाज का कार्यक्रम है। और जब सारा समाज जुट जाए, डट जाए, लग जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि हम अपने गांव को, अपने पंचायत को, अपने इलाके को पूरी तरह से साफ सुथरा बना सकते हैं। और आज गांधी जयंती, गांधी जी हमारे देश के उन महान सपूतों में रहे हैं, देशभक्त के रूप में उनकी पहचान हुई है, राष्ट्रपिता के रूप में हम उनको जानते हैं। यानी 2 अक्टूबर को हम इस अभियान को इसलिए ले रहे हैं कि सत्य और अहिंसा के बलबूते पर उस महान विभूति ने इस देश को आजादी दिलवाई थी। यानी हम उस विभूति को आज जयंती के रूप में याद कर रहे हैं और आज संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे। और वो संकल्प ये होगा कि, और वो संकल्प सिर्फ बच्चे नहीं, जो इस प्रांगण में बैठे हैं, जो आज यहां नहीं आए हैं, वो संकल्प लेकर के जाएं कि हम कूड़ा करकट जो है अपने घर, गांव, पंचायत में नहीं